हेलो गाइस, मेरा नाम दीपू डिसूजा है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब देखो, आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पर आप बोल सकते हो कि बैरकपुर का सबसे अफोर्डेबल नाश्ता आप लोग कर सकते हो। सिर्फ 8 रुपये में नाश्ता कर सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। एंड आप लोगों को मैं सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो आप लोगों को पीछे में ये दुकान जो दिख रहा होगा, यही वाला है। दुकान का नाम जो है माँ अन्नपूर्णा भटोरा सेंटर है। यहाँ पर जो वो भटोरा मिलता है और यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ का मैं आप लोगों का एड्रेस बता दूँ, तो यहाँ का जो एड्रेस है वो इच्छापुर नवाबगंज पलटा पार्क के सामने ही में है। अगर आप लोग किसी से पूछोगे तो आप लोग को बता देगा। ये जो आप लोग जगह जो देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है, लेकिन अभी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी थोड़ा सुबह का टाइम है। रात को यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलता है आप लोगों को। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं एंड ऑर्डर देते हैं। अच्छा, बैगटा धरे ना, तुम्हारा ब्लू बैगटा। ब्लू बैगटा কোন? ওই আমাদের লেবার ভাবে আছে। হ্যাঁ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों का भटोरा मिल चुका है। एंड यहाँ पर इसे आप लोग बहुत कुछ बोल सकते हो, इसे भी लोग भटोरा, नानपुरी और बहुत सारे चीज़ इसे इसका नाम रखा गया है। ये इतना ज़्यादा फेमस है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े लाइन लगा के लोग आते हैं खाने के लिए। तो एक प्लेट का दाम है 8 रुपये, यानी कि एक जो भटोरा आप लोग लोगे तो आपको सिर्फ 8 रुपये में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर 2 भटोरा लिया हूँ और यहाँ पर बोला जाता है कि आप जो है 2 भटोरा से ज़्यादा नहीं खा सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या ये सही बात है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है इसे छोले बोलते हैं एंड इसे भटूरे बोलते हैं। तो यहाँ पर छोले में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हल्का सा मसाला डाला हुआ है एंड यहाँ पर ये रहा। एंड यहाँ पर अभी हम लोग आप लोगों को टेस्ट करके बताने वाले कि ये कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। एंड यहाँ पर ये रहा, थोड़ा सा स्पाइसी देखने को मिलेगा क्योंकि ये मसाला की वजह से। एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड यहाँ पर ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों रहता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है ये एक्चुअली जो इसे मैदा और दही के साथ मिक्सअप करके बनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत बार आया है, लेकिन यहाँ पर वीडियो जो है वो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। सब्जी ये आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें कुछ अलग ही बात है। एंड यहाँ पर ये भटूरे देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये कुछ आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखो, रबर का जैसा, मतलब टूट रहा है। ये देखो आप लोग, ये अब देखो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे पता नहीं कि लोग क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 भटोरा से ज़्यादा नहीं खा सकते। मैं सच बता रहा हूँ, 3-4 तो मैं आराम से ही खा सकता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी देखने को मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर आप लोग छोले देख सकते हो, आप लोग छोले में आपको थोड़ा सा घुघरी टाइप देखने को मिलेगा और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मिक्सर देखो आप लोग। ये इतना ज़्यादा फेमस है ना यहाँ पर, यहाँ का जितने भी लोग ये लोग इसे ज़रूर खाते हैं। एंड ये मैं बोलूँगा आप लोगों को, यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है यानी कि आप लोग नाश्ता बोल सकते हो, नाश्ता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि आप लोग सोच के देखो कि 8 रुपये में अगर आपका नाश्ता हो जा रहा है, यानी कि 8 नहीं मिले तो सिर्फ 2 तो लेना ही पड़ेगा। मैं 2 ही लिया हूँ, यानी बहुत लोग 1 भी लेते हैं, तो 8 रुपये में अगर आपका नाश्ता हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत लोग पैक करा के घर भी लेकर जाते हैं, यानी कि आप पैक भी करा सकते हो 2-3-4 जितना आपका मन। बहुत लोग 10-10 पैक करा के लेकर जाते हैं घर के लिए, घर भी आप ले जाके इसे खा सकते हो। ओके, तो हम लोग का हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर खा चुके, बहुत मज़ा आया।
एंड यहाँ पर बहुत सही बता रहा, बहुत टेस्टी भी था। एंड अभी जो हम लोग बिल पे कर देते हैं, तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को दिखानी थी। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।